भारत में कई ऐसी धरोहरें हैं जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आज हम आपको सबसे पुरानी धरोहरों में से एक अजंता की गुफाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध ये गुफाएं शिल्पकला और चित्रकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है। मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काट कर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े के नाल की तरह है। ये गुफाएं औरंगाबाद के पास वघूरा नदी के पास स्थित है। यहीं से कुछ दूर पर अजंठा नाम का एक गांव बसा हुआ है, जिस पर इन गुफाओं का नामकरण किया गया। इसमें 29 गुफाएं हैं और यहां की दीवारों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को बखूबी दिखाया गया है। यहां दो तरह की गुफाएं हैं, विहार और चैत्य गृह। विहार की संख्या 25 है तो चैत्य गृहों की संख्या 4 है। इसमें विहार का इस्तेमाल बौद्ध रहने के लिए किया करते थे, तो वहीं चैत्य गृह का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। जंगली जानवरों और स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रहीं। इन गुफाओं की खोज सन 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। कहा जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे, तभी उन्होंने वघूरा नदी के सामने एक गुफा के मुहाने को देखा जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गुफा में गए, जहां दीवारों पर बनी शानदार नक्काशी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते बुद्ध की एक प्रतिमा थी। उन्होंने अपने नाम को बोधिसत्व की एक मूर्ति पर उकेरा। स्मिथ के इस खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैलने लगी। फिर साल 1844 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ बनी चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया। रस्सियों और सीढ़ियों की मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए और वहां शानदार वास्तुकला और मूर्तिकला को देखकर हैरान रह गए। यहां बुद्ध की हजारों छवियां थी जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों को एक सोच के लिए प्रेरित कर रही हैं। यहां बुद्ध की छवियों के अलावा कई जानवरों, आभूषणों, पहनावों को भी दर्शाया गया था। इनमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी, जिसे महज संयोग तो नहीं कहा जा सकता। और ये इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान हो गया था। फिर हेलेनिस्टिक काल में ये अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। रॉबर्ट गिल ने अपने 27 कैनवास को दक्षिण लंदन के क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया, लेकिन साल 1866 में 23 कैनवास आग में जलकर राख हो गए। इसी बीच 1848 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल केव टेंपल कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी। अब अजंता की गुफाओं को लेकर चिंताएं काफी बढ़ चुकी थीं और कुछ निडर विशेषज्ञ इस मुहिम में शामिल हो गए। कई चित्रें दीवार टूटने से बर्बाद हो गई थी तो कुछ को उन्होंने बचा लिया। इसके बाद साल 1872 में बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ्स को नई प्रतिक्रिया बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर 300 चित्रों को बनाया। इसके बाद लेडी हरिंगम ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से 1909 में अजंता की गुफाओं की और प्रतियां बनानी शुरू की। इसके बाद हैदराबाद के इतिहासकार गुलाम याजदानी ने साल 1930 से 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को 4 भागों में दुनिया के सामने रखा। याजदानी के योगदानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए हजारों साल बने इन चित्रों को बनाने की तकनीकों का खुलासा किया। बताया जाता है कि इन छवियों को बनाने के लिए अफगानिस्तान में मिलने वाले लैपिस लाजुली यानी राजावर्त पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा हासिल है। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को 2 कालों, 7 वाहन और वाकाटक में बनाया गया है। इन गुफाओं की ऊंचाई 76 मीटर है। ये गुफाएं जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। इन गुफाओं को प्रमुख वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बनाया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए वेन की जानकारी भी पाई जाती है। अजंता की गुफाओं में एक भाग में बौद्ध धर्म के हीनयान की झलक देखने के लिए मिलती है तो दूसरी तरफ महायान संप्रदाय की। ज्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरों के आकार अलग अलग हैं, जिससे साफ है कि कमरे को
महत्व के आधार पर बनाया गया होगा। यहाँ छवियों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों विधियों का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था, फिर चावल के मांड, गोंद, पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाया जाता था। सदियों बाद भी इन चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है।